क्या आप ये जानते हैं कि मर्सिडीज बेंज ये सिर्फ अपनी कार की हेडलाइट की पावर को दिखाने के लिए कुछ इस तरह से एडवर्टाइजमेंट करती है। और क्या आप ये जानती हो कि एक फोटोग्राफर ने एक ड्रैगन लिजर्ड की फोटोग्राफ को कुछ इस तरीके से खींचा कि उस पिक्चर को देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो लिजर्ड रियल लाइफ में एक लीफ की गिटार को प्ले कर रहा है। और क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत का वो आखिरी पॉइंट क्या है जहाँ जाकर सभी रोड खत्म हो जाते हैं? और कभी आपने ये सोचा है कि प्लेन्स को चाबी लगती है? ऐसे ही दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना, वरना आप बहुत से इंटरेस्टिंग चीजों को मिस कर दोगे। क्रिकेट में जो आपको स्टंप्स में ये वाली बेल्स दिखती हैं, ये लाइट वाली जो होते हैं, तो आपके हिसाब से इन बेल्स का प्राइस कितना होगा? आप कहोगे 5 या 6 हजार, पर नहीं, असल में इनका प्राइस एक आईफोन 11 प्रो मैक्स जितना होता है, यानी कि 1,35,000 जितना होता है। आपको क्या लगता है कि ईमेल का इन्वेंशन किसी अमेरिकन ने करा है? तो आप गलत हो, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ईमेल का इन्वेंशन एक भारतीय बच्चे ने किया था साल 1978 में, वो भी सिर्फ वो 14 साल की उम्र में ये सब किया था, और उस बच्चे का नाम था शिवा आयादुराई। WWE जिसके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, जो कि वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर गेम्स में से एक है, पर इससे रिलेटेड एक शॉकिंग फैक्ट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप, जो इस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट होने के साथ साथ WWE हॉल ऑफ फेम के भी मेंबर हैं। है ना एक अमेजिंग फैक्ट। आज के टाइम पर दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कार बुगाटी वियरॉन सुपर स्पोर्ट्स कार है, जिसकी स्पीड 273 माइल्स पर आर तक पहुंच जाती है। पर क्या आप ये जानते हैं कि जिस समय कार की रेस शुरू होने लगी थी, मतलब कि 1895 में जब दुनिया की पहले ऑटोमोबाइल रेस हुई थी, तब उस रेस में किसी भी कार की हाईएस्ट स्पीड 15 माइल्स पर आ रही, जो कि आज के कार्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। किसी भी लोकेशन को सर्च करने के लिए ज़्यादातर लोग गूगल मैप्स का यूज़ करते हैं, और जाहिर सी बात है कि आप भी उसका ही यूज़ करते होंगे, पर इससे रिलेटेड आपको एक शॉकिंग बात के बारे में पता नहीं होगा कि गूगल मैप 100 सालों तक एक ऐसे आइलैंड को दिखा रहा था जो कि एग्जिस्ट भी नहीं करता है, और उस आइलैंड का नाम था सैंडी आइलैंड। हमारी दुनिया में टैलेंट की कमी नहीं है, और कुछ लोगों ने अपने टैलेंट के दम पर ऐसी चीजें बनाई है जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। कुछ ऐसा ही एक एयरपोर्ट पर देखने को मिला है, जहां पर एक ऐसा मास्टरपीस बनाया गया है जिसने कि उस एयरपोर्ट को बाकी सभी एयरपोर्ट से अलग बना दिया है। क्योंकि अगर आप उस एयरपोर्ट के अंदर जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप समुद्र के अंदर आ गए हो। इस एयरपोर्ट का नाम है टांपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रॉयल इनफील्ड, इस मशहूर बाइक के बारे में आपने कभी ना कभी सुना ही होगा, और इसी कंपनी के बारे में एक शॉकिंग फैक्ट ये है कि आज तक जितने भी रॉयल इनफील्ड कंपनी ने बाइक के फ्यूल टैंक बनाए हैं, उन सभी को एक हाथ से पेंट किया गया है, और आज तक सभी फ्यूल टैंक को चेन्नई के 2 आर्टिस्ट पेंट करते आ रहे हैं। क्या आपको पता है कि छोटे एनिमल्स जैसे कि मक्खी, मच्छर और हमिंगबर्ड्स, इन जानवरों को टाइम स्लो मोशन में अनुभव होता है। इसी कारण जब आप मच्छर या मक्खी को मारने जाते हो तो ज्यादातर बार वो आपसे बच जाते हैं। हमारा ब्रेन ऐसा कॉम्प्लेक्स चीज है जिसे अभी तक साइंटिस्ट भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। लेकिन आपको ये बात पता नहीं होगी कि इंसान जब सोता है उस समय भी उसका दिमाग काम कर रहा होता है, और वो उन सभी वर्ड्स को आसानी से समझ सकता है जो उसके आसपास बोले जा रहे हैं। जब कोई भी मूवी स्टार्ट या एंड होती है तो आपने ये लिखा हुआ तो देखा ही होगा, नो एनिमल्स वे हार्म्ड इन मेकिंग ऑफ दिस फिल्म। लेकिन आप ये नहीं जानते कि हैरी पॉटर और गॉबलेट ऑफ फायर्स के क्रेडिटर्स ने इस मूवी के लास्ट में ये लिखा कि नो ड्रैगन्स वे हार्म्ड इन द मेकिंग ऑफ दिस मूवी। पर उन्होंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि ड्रैगन्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, जो कि खतरनाक जानवरों का घर माना जाता है, और वहाँ ऐसे जीव पाए जाते हैं जिनके बारे में आप सोच कर ही आपकी रूह कांप जाएगी। पर आपको ये बात जानकर बिलीव नहीं होगा कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसे भी स्पाइडर्स हैं जो आराम से किसी स्नेक को भी खा सकते हैं। ऑस्कर, इस अवार्ड के बारे में आपने सुना ही होगा, जो कि फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। पर क्या आप ये जानते हैं कि अगर आप ऑस्कर के लिए सिर्फ नॉमिनेटी हो जाते हो और उसके बाद भले ही आप हार जाओ, लेकिन फिर भी आपको $50,000 का प्राइज मिलेगा, जो कि 37 लाख इंडियन रुपीज के बराबर होता है, मतलब कि हारने पर भी इतना पैसा। आपने रोलर कोस्टर के बारे में सुना ही होगा, या फिर आपने उस पर राइड भी किया होगा, लेकिन आपको उसके बारे में एक शॉकिंग फैक्ट पता नहीं है कि अगर आपको किडनी स्टोन है और अगर आप बहुत रोलर कोस्टर पर राइड करते हो तो आपका किडनी स्टोन ठीक हो सकता है।
आप सभी ने इंसानों को तो खेती करते हुए देखा ही होगा, पर क्या आपने कभी बंदरों के खेत में काम करते हुए देखा है? जी हाँ, कुछ ऐसा ही मलेशिया और थाईलैंड में देखने को मिलता है। इन कंट्रीज में बंदरों को कुछ इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि वो कोकोनट की फार्मिंग आराम से कर सकते हैं। अगर गलती से आपका फ़ोन पानी में गिर जाए और पूरा फ़ोन पानी से भर जाता है, तो बस आपको ये एक काम करना है कि आपके फ़ोन को किसी भी पैकेट कंटेनर में रख दो जो कि पूरी तरह से चावल से भरा हो, क्योंकि चावल आपके फ़ोन का सारा वाटर अब्सॉर्ब कर लेता है और फिर से आपका फ़ोन पहले की तरह वर्क करने लग जाएगा। नंबर 5, क्या आप ये जानते हैं कि इस्तांबुल एक ऐसी कंट्री है जहां पर सर्दियों के मौसम में जो डॉग्स होते हैं उन्हें मॉल्स के अंदर आने की परमिशन दी जाती है ताकि वो ठंड से बच सकें, और कई लोग उन डॉग के लिए खाना और इवन ओढ़ने के लिए चादर तक भी देकर जाते हैं ताकि डॉग्स को कोई परेशानी ना हो। क्या आप ये जानते हैं कि एक रिसर्च में ये पता चला कि जब हमारी मौत हो जाती है उसके बाद भी हमारा ब्रेन इतना कॉन्शियस होता है कि हमें पता चल जाता है कि हम मर चुके हैं। आप इस समय स्क्रीन पर जो पिक्चर देख रहे हो, आपको इस फोटो का देख कर ये बताना है कि असल में ये चीज़ है क्या। आप जानकर शॉक्ड हो जाओगे कि ये एक पेपर की फोटो है जिससे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया है। क्या आप ये जानते हैं कि हमारे देश भारत का वो आखिरी पॉइंट क्या है जहां जाकर सभी तरह के रोडवेज खत्म हो जाते हैं, मतलब कि कोई भी चीज़ उससे आगे सिर्फ शिप की मदद से ही जा सकती है, और उस पॉइंट का नाम है धनुषकोटी जो कि तमिलनाडु स्टेट में मौजूद है, और इसे एंड पॉइंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो सवाल ये आता है कि एयरप्लेन्स में कीज होते हैं या नहीं, ये असल में एयरप्लेन के ऊपर डिपेंड रहता है। कुछ जनरल एविएशन में कुछ एयरक्राफ्ट को चाबी होती है क्योंकि छोटे प्लेन्स को अनकंट्रोल्ड एरियाज और भी बहुत सारे जगहों में पार्क किया जाता है, उस टाइम पर कोई अननोन पर्सन कॉकपिट के अंदर एंटर ना हो सके, इसलिए कुछ एयरक्राफ्ट के डोर्स में कीज होते हैं और छोटे प्लेन्स को इंजन स्टार्ट करने के लिए चाबी होती है। और बात रही प्राइवेट प्लेन्स की, इसमें डोर कंपार्टमेंट्स को कीज होते हैं और कुछ ही ऐसे प्लेन्स में इग्निशन कीज यानी कि प्लेन को स्टार्ट करने के लिए कीज होते हैं, और कमर्शियल एयरप्लेन्स के डोर्स और इंजन्स को ऑन करने के लिए किसी भी तरह की चाबी की नीड नहीं होती है क्योंकि कमर्शियल एयरप्लेन्स को सेफ और कंट्रोल्ड एरिया में रखा जाता है, इसलिए इन प्लेन्स को डोर कीज की नीड भी नहीं पड़ती है, और इंजन्स को ऑन करने के लिए कई स्विचेस को एक्टिवेट करना पड़ता है और थोड़े स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, और इसमें कीज की नीड बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना, और आपको इसमें से कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा आप मुझे बोलना। लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।